दशमलव संख्या का विस्तारित रूप। संख्या 328 का विस्तारित रूप होगा 328 बराबर 300 धन 20 धन 8 बराबर 3 गुणित 100 धन 2 गुणित 10 धन 8 गुणित 1 बराबर 3 गुणित 10 की घात 2 धन 2 गुणित 10 की घात 1 धन 8 गुणित 10 की घात 0। इसी तरह 4158 बराबर 4 गुणित 1000 धन 1 गुणित 100 धन 5 गुणित 10 धन 8 गुणित 1 बराबर 4 गुणित 10 की घात 3 धन 1 गुणित 10 की घात 2 धन 5 गुणित 10 की घात 1 धन 8 गुणित 10 की घात 0। इस तरह हम संख्या 132.28 को घातांक के विस्तारित रूप में लिखें तो 132.28 बराबर 1 गुणित 100 धन 3 गुणित 10 धन 2 गुणित 10 की घात 0 धन 2 गुणित 1 बटे 10 धन 8 गुणित 1 बटे 100 बराबर 1 गुणित 10 की घात 2 धन 3 गुणित 10 की घात 1 धन 2 गुणित 10 की घात 0 धन 2 गुणित 10 की घात ऋण 1 धन 8 गुणित 10 की घात ऋण 2 होगा। करके देखें, इन संख्याओं को घातांक के विस्तारित रूप में लिखिए। पहला 15.1, दूसरा 512.23, तीसरा 537.204, चौथा 205.003। बहुत बड़ी संख्याओं और बहुत छोटी संख्याओं का मानक निरूपण। बड़ी संख्या जैसे सूर्य का व्यास लगभग 14 अरब मीटर है, जिसे मानक रूप में 1.4 गुणित 10 की घात 10 मीटर लिखते हैं। यहाँ संख्या 10 की घात में आएगी। इसी प्रकार 6.2 गुणित 10 की घात 5 मीटर को सामान्य रूप में इस प्रकार से व्यक्त करेंगे, 6.2 गुणित 1,00,000 मीटर बराबर 6,20,000 मीटर। इसी प्रकार बहुत छोटी संख्याओं जैसे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0.18^16 कूलाम होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन के आवेश को घातांक के रूप में 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम लिखते हैं। यहाँ हम संख्याओं को 10 के घात के रूप में लिखते हैं। और इस तरह बड़ी और छोटी संख्याओं दोनों का मानक निरूपण करते हैं। बहुत बड़ी व बहुत छोटी संख्याओं के बीच तुलना। सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी 1.496 गुणित 10 की घात 11 मीटर है और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 गुणित 10 की घात 8 मीटर है। जब सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तो इस समय चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होगी? बराबर 1.496 गुणित 10 की घात 11 ऋण 3.84 गुणित 10 की घात 8 बराबर 1.496 गुणित 1000 गुणित 10 की घात 8 ऋण 3.84 गुणित 10 की घात 8 बराबर कोष्टक में 1496 ऋण 3.84 गुणित 10 की घात 8 मीटर बराबर 1492.16 गुणित 10 की घात 8 मीटर।